तंबाकू खाने की लत है, उसे छोड़ना चाहते हैं और बड़े सालों पुरानी आदत है, तो अब जाहिर से बात है कि किसी को भी लगता है कि इतने साल से खा रहा हूँ, 25 साल से खा रहा हूँ, 30 साल से खा रहा हूँ, 40 साल से खा रहा हूँ या जो भी, अब इतना आसान नहीं है छोड़ना, इसके बिना मुश्किल है, ये आदत तो अब मेरे साथ ही जाएगी, इस तरह से भी लोग बोलते हैं। तो क्या करें ये छोड़ने के लिए? मैं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से आज आपको बड़े ही शॉर्ट में बताऊंगा कि तंबाकू की आदत छोड़ने के लिए क्या करना है। देखिए दोस्तों, तंबाकू एक एब्यूजिव पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन करने से हमें उसकी आदत पड़ जाती है, हमारी बॉडी उस पर डिपेंड हो जाती है। अब अगर तंबाकू ना खाएं तो चक्कर आते हैं, बड़ा अजीब लगता है, उसकी एक उसके लिए एक क्रेविंग होती है जो कि हमें खाने पर मजबूर करती है। और आदमी कई बार ये चाहते हुए भी कि उसे छोड़ना है, ये सब समझते हुए भी कि क्या क्या नुकसान है इसके, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। और जब उन्हें कोई कहता है उनके घर में, जाहिर सी बात है कि सभी के घर में जो भी तंबाकू खाते हैं उन्हें दूसरे लोग समझाते हैं कि इसे छोड़ दो, ये बुरी आदत है, ये किसी दिन ले डूबेगी, इससे पता नहीं कितनी परेशानियां इकट्ठी हो सकती हैं, तो लोग कहते हैं कि देखा जाएगा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे और क्या होगा, मैं तैयार हूँ उसके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कह देना बड़ा आसान है कि ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं इसमें मर जाते, ये इतनी आसानी से नहीं इसमें मर जाते, तड़प तड़प कर इससे डेथ होती है जिनकी होती है। मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, बॉम्बे में कैंसर के विभाग में काम किया हुआ है, मुंह के कैंसर में, तो मैंने इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं जहां पर कि मैं देखता था कि क्या उनकी हालत होती है, किस तरह से वो वहां पर कई दिन कई हफ्ते तक भर्ती रहते हैं, उनका मुँह कट जाता है, जबड़ा कट जाता है और नाक से नली डालनी पड़ती है खाने पीने की, और कितनी परेशानी उन्हें आती है, कैसी ज़िंदगी उनकी हो जाती है, उनके घर वालों की हो जाती है, लाखों रुपए उनके इस ट्रीटमेंट में खर्च हो जाते हैं और बड़ी ही मानसिक और शारीरिक परेशानी से वे गुजरते हैं और बड़ा एक ख़राब ज़िंदगी की हालत बन जाती है। तो इस तरह से तड़प तड़प कर उनके दिन गुजरते हैं, अब वो कुछ ठीक हो पाते हैं, कुछ ठीक नहीं हो पाते हैं, जो ठीक होते हैं उनका भी अब एक जबड़ा कट गया या ज़बान कट गई है, दांत सारे निकल गए, तो सोचिए किस तरह का जीवन हो गया है, अब उस तरह की ज़िंदगी जीना कितना टफ हो जाता है जब एक बार इस तरह की बीमारी हो जाती है। और जो चले जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है, वो तो है ही कि उनने तो अपनी लाइफ ही खो दी इस चक्कर में, और उनके घर वालों पे क्या बीतती है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सारी बातें आपको पता है, इसमें ऐसे कोई नई बात नहीं जो आपको नहीं पता। आजकल तो सिगरेट के और उसके तंबाकू पान मसाले के जो पैकेट आते हैं उन पे भी इस तरह के फ़ोटो बने हुए होते हैं, ये सब दिखा हुआ होता है, एजुकेट करने को गवर्नमेंट ने किया होता है। देखिए दोस्तों, एक ही चीज़ है जो कि आपको ये छुड़वा सकती है, वो ये है कि आप ये खाते वक्त अपने परिवार के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि जब भगवान ना करे ऐसी किसी परेशानी में कोई पड़ जाएगा तो उनके परिवार का क्या होगा, किस तरह की परेशानी से वे गुजरेंगे। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, मतलब इस बात से परे है ये बात कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटस जिस किसी का भी हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या वो हाई क्लास हो, या जो भी स्टेटस फाइनेंशियल आपका हो या इस तंबाकू सेवन करने वाले का हो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, जो परेशानी आएगी वो सबको अपने अपने लेवल पर आएगी ही आएगी। कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए उससे ये बात नहीं बनती कि जी हम तो पैसे से सब कर लेंगे और बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाएंगे, उससे नहीं होता, जो तकलीफ़ है वो तो उठानी ही पड़ती है। तो आप एक बार अपने परिवार के बारे में सोच करके देखें, यही एक लाइन में आपको कहना चाहूँगा, बाकी सब बात आपको पता है। आप बड़े हिम्मत वाले हैं, आप तो बड़े हिम्मत से कह सकते हैं कि मैं तो मर जाऊँगा देखा जाएगा, वो हिम्मत ये कहने के बजाय आप उसे छोड़ने में अगर दिखाएं तो मैं मानूं कि आप सच में हिम्मत वाले हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, और विल पावर सबसे बड़ी चीज़ है, आप विल पावर से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, कोई निकोटिन पैच या कोई और तरीका या कोई रिहैब सेंटर या कुछ नहीं दोस्तों, आप विल पावर के दम पे क्या नहीं किया जा सकता। एक बार आप ठान लेंगे अगर मन में कि मुझे करना है और मैं छोड़ूंगा, तो आप देखें कि कैसे वो चीज़ नहीं होती, अपने आप को रोकना है बस। कुछ दिन परेशानी आएगी, कुछ दिन मुश्किल से बीतेंगे, हो सकता है आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, आप परेशान रहेंगे, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, हो सकता है आपको खाने पीने में दिक्कत रहेगी, आपके डाइजेशन में दिक्कत रहेगी, आपको सब चीज़ों में दिक्कत रहेगी, सब माना, लेकिन एक बार का वो फेज़ है वो निकल जाने दीजिए, फिर आप देखें कि आपको ज़िंदगी आपको ऐसा लगेगा जैसे दूसरा जन्म आपको मिला है। मैंने अपने करीब में कई लोगों को देखा है जिन्होंने छोड़ा है, तो आज कितना अच्छा फील करते हैं वो। और एक बार एक झटका दिमाग पे हिट करना चाहिए कि नहीं छोड़ना है, मतलब छोड़ना है, एक बार विल पावर दिखाने की बात है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने मेरी कोशिश जो है ये आपको बताने में कि इसे छोड़ने में ही सार है, इसे छोड़ना ही अच्छा है, हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे छोड़ना है। तो आई विश यू अ वेरी गुड हेल्थ एंड आई विश यू ऑल द मोटिवेशन एंड विल पावर टू क्विट द हैबिट ऑफ टोबैको एंड सिगरेट एंड ऑल द एडिक्टिव स्टफ। थैंक यू सो मच।